दसवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के योग साधक और 16 देशों के विद्यार्थी भी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे की गई। इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, ब्रह्म कुमारी संस्था से दीदी बी के लक्ष्मी, अपेक्स विश्वविद्यालय के डीएन एकेडमिक एयर कमांडेंट देवेंद्र शेखावत और जंतर मंतर जयपुर की अधीक्षक प्रतिभा यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजीव शर्मा ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य योग के प्रति लोगों को जागरूक करना और इसे दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह सके और बीमारियों से दूर रह सके। आज जिस तरह की हमारी जिंदगी है, जिस तरह से जीवन है, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ नहीं है, और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम योग को अपनाएं, अपने जीवन में अपनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति योग को अपने जीवन में अपनाए, इससे अपने शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करे, ताकि हम स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ देश और स्वस्थ विश्व की कल्पना कर सकें। और आपको ये मैं बता दूं कि इस वर्ष का जो थीम दिया है भारत सरकार ने योग का, वो अपने लिए योग और समाज के लिए योग। तो ये आवश्यक है कि अगर समाज को स्वस्थ बनाना है तो उसके लिए योग को अपनाना पड़ेगा। वो एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना के नहीं होगा, जीवन में योग को उतारना पड़ेगा, जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। कार्यक्रम में 16 देशों के 70 से अधिक विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया और योगाभ्यास किया। इन विद्यार्थियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने परिवार जनों को भी इस कार्यक्रम से जोड़कर योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा विश्व आज योग में हो गया। और ब्रह्म कुमारी संस्था से दीदी बी के लक्ष्मी ने दैनिक जीवन में योग की महिमा को बताते हुए सभी योग साधकों को ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा नियमित रूप से किए जाने वाले मेडिटेशन का अभ्यास करवाया। ओम शांति। कि हम लोग यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से अपने सभी भाई बहनों के साथ यहाँ पधारे, तो ये तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये शारीरिक योगा पूरे विश्व में बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है, लेकिन साथ में मानसिक मन को भी कैसे हम स्वस्थ रहे और बुद्धि को भी कैसे स्वच्छ रखें, इसके बारे में हम राजयोगा के दौरान बतलाते हैं। तो ये राजयोगा वो सर्वश्रेष्ठ योगा है जो मन और बुद्धि को स्वच्छ रखने में, सशक्त बनाने में हमें कार्य कराती है। तो जिसमें हम यही बतलाते हैं कि हम अपने को आत्मा समझ, कैसे हम परमात्मा को याद करें और परमात्मा से सर्वशक्तियाँ प्रदान कर अपने अंदर भरकर अपने आप को भी शक्तिशाली बनाएं, वातावरण को शक्तिशाली बनाएं, प्रकृति को भी शक्तिशाली बनाएं और पूरे विश्व को कैसे हम सुख शांति भरकर उसको स्वर्णिम भारत बनाने में हम योगदान करें। तो यही हमारी शुभ भावना है आज के दिन की, कि सभी यहाँ आए और ये प्रेरणा लेकर गए कि शरीर को भी कैसे स्वस्थ रखें और मन को भी कैसे स्वस्थ रखें और परिवार को भी कैसे स्वस्थ रखें। अपेक्ष विश्वविद्यालय के डीएन एकेडमिक एयर कमांडेंट देवेंद्र शेखावत ने बताया कि आज के आधुनिक युग में मानसिक और शारीरिक रोग पारिवारिक की विघटना का कारण बनते हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सभी को प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। Actually, I'm studying here, but I feel so good after the yoga session. I feel so relieved. My body feels good. It's really a good practice that India does, and this session is beneficial for you. It's very beneficial. I feel so relaxed, and I feel more in touch with my spiritual side. You are from which country? I'm from Zambia. My name is Salisu Sani Miliamin. I'm a student of National Institute of Ayurveda, Jaipur. I'm from Nigeria. So this is my first time in Yoga Day. So actually, yoga is very beneficial to our health, especially to improve your flexibility, improve your heart health, and improve your body health, especially when you have like a joint pain, like knee joint or elbow joint, any other joint. So yoga is very important to our health. Thank you. Namaste. My name is Anahita, and I'm from Afghanistan.
How do you feel today? I feel more, you know, flexible. And then the body, the yoga is the unions of the body and the mind. So after doing yoga, I feel more relaxed, comfortable, flexible. And then the movement, emotions are all balanced. And then it is not related to the body, it's related to the mind. So I feel more calmness. योगा अभ्यास कार्यक्रम में निर्धारित योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करने के पश्चात राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वेतरव्रत एवं योग विभाग की विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर दुर्गावती ने सभी योग साधकों को धन्यवाद ज्ञापन दिया और बताया कि जो लोग नित्य प्रति योग करना चाहते हैं वे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की सुबह की योग क्लास से जुड़ सकते हैं।